गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ इन होम. दिस इज योर कंप्यूटर क्लास. हे, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस अंजुम. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटर और माउस, ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस. ओके, सो टेक आउट द बुक एंड ओपन पेज नंबर 33. सो स्टूडेंट्स, हमने अपना पेज ओपन कर लिया है. ये हमारा पेज है, हमारी एक्सरसाइजेज हैं ब्रेन डेवलपर की. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. ओके, सो हमारी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, अ माउस इज डैश इन अ साइज. माउस इज अ डैश इन अ साइज. सो हमें यहाँ पर देखिए हिंट्स वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इनमें से कोई भी एक चूज कर यहाँ पर राइट करना है. सो बच्चों, यहाँ हम क्या राइट करेंगे, यहाँ हम राइट करेंगे स्मॉल, क्योंकि माउस क्या होता है, स्मॉल होता है साइज में. तो हमने यहाँ फिल किया स्मॉल. सेकेंड इज अ माउस हैज़ अ डैश दैट इज फिक्स्ड टू द सीपीयू. माउस का बच्चों, हमने जब चैप्टर रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि माउस का वायर कहाँ अटैच होता है, सीपीयू बॉक्स से अटैच होता है. तो हम यहाँ फिल करेंगे वायर. थर्ड इज प्रेसिंग द माउस बटन वंस इज कॉल्ड डैश. हम जब वन टाइम माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो बच्चों क्या कहलाता है, उसे हम कॉल करते हैं क्लिकिंग के नेम से. किस नेम से क्लिक कर कॉल करते हैं, क्लिकिंग. सो हम यहाँ राइट करेंगे क्लिकिंग. लास्ट इज मूविंग एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, इट्स कॉल्ड ड्रैगिंग. तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे ड्रैगिंग के नेम से कॉल करते हैं. सो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हमने अच्छे से रिवीजन करी. नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रूथ और एफ फॉर फॉल्स हम राइट करेंगे. ओके, फर्स्ट इज अ माउस हेल्प टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर. क्या माउस हमें हेल्प करता है किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए मॉनिटर पे? Yes, it is right. So, ये हमारा क्या हो गया? True. Next is, a mouse has 3 or 4 button. क्या माउस में 3 and 4 buttons होते हैं? नहीं, 2 buttons होते हैं ना, left, right and explorer wheel. So, it is wrong. तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? Write करेंगे false. Okay. Third is, right. Clicking on the desktop display a list of option on a monitor. ठीक है, राइट क्लिक करके क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. ठीक है, एक लिस्ट हो जाती है, आ जाती है जब हम राइट क्लिक करते हैं माउस से ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन पर. तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. तो हम इस पर टी फिल करेंगे. फोर इज द स्मॉल एरो दैट वी सी ऑन अ मोनीटर, इट्स कॉल अ स्टिक. आपका जो स्मॉल एरो होता है वो हमें कैसा नज़र आता है, एक स्टिक की तरह नज़र आता है? नहीं, वो तो एक एरो की नज़र आता है ना. तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स. फिफ्थ इज द माउस पॉइंटर ऑलवेज मूव टू रिवर्स द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. क्या हमेशा माउस का जो पॉइंटर है वो मूव करता है राइट साइड ही मूव करता है? नो ना, वो तो राइट लेफ्ट अप एंड डाउन साइड एक्शन में मूव करता है. सो दिस इज फॉल्स. तो हम यहाँ पे एफ फिल करेंगे. ठीक है, फॉल्स हो गया हमारा. नेक्स्ट इज टिक द राइट आंसर. अब हमें राइट आंसर पर टिक करने हैं. ओके, सो व्हाट डू वी कॉल द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर. जो हमारे छोटा सा स्मॉल एरो होता है बच्चों, जो कहाँ मूव करता है, मॉनिटर पे मूव करता हुआ हमें नज़र आता है, स्क्रीन पर हम सब देखते हैं, तो हमसे क्या क्या होता है वो, ए माउस पॉइंटर, बी टैल, स्टिक. क्या वो स्टिक होती है? नो, टैल भी नहीं होती है, वो होता है हमारा माउस पॉइंटर. सो हमारा आंसर इज माउस पॉइंटर. तो हम माउस पॉइंटर पर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज डैश ओपन्स एन आइटम. ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रोलर. देखिए बच्चों, मैंने आपको चैप्टर में रीड कराया था, जब भी हमें किसी आइटम को ओपन करना होगा तो हम क्या करेंगे,
हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, यानी टू बार जो लेफ्ट बटन होता है वो प्रेस करेंगे, जिसे हम डबल क्लिक के नाम से कॉल करते हैं, तो डबल क्लिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन वर्ड, हमें आंसर देना है वन वर्ड में। विच फिंगर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन, हम लेफ्ट माउस बटन पे कौन सी फिंगर को प्लेस करते हैं अपने हैंड की, इंडेक्स फिंगर। तो आंसर इज इंडेक्स फिंगर। वेयर डू वी फिक्स द टेल ऑफ अ माउस, हमारी जो माउस की टेल होती है, हमें माउस की टेल किसे बोला था, वायर को, तो वो कहाँ फिट होती है, वो होती है हमारे सीपीयू बॉक्स में फिल, तो हम फिल, आंसर इज सीपीयू बॉक्स। लास्ट इज विच माउस बटन डू वी यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द मॉनिटर, ठीक है, वो कौन सा बटन है जिसके थ्रू एक लिस्ट अपेयर हो जाती है हमारी स्क्रीन पे जब हम माउस का राइट क्लिक करते हैं। राइट माउस बटन, क्या करते हैं, राइट माउस बटन। ओके, सो स्टूडेंट्स टर्न द पेज 34। देखिए यहाँ पर एक पजल है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ हु एम आई के क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखी हैं, इससे आपको उन्हें फिल करना है। ओके, सो देखिए बच्चों इन एक्सरसाइजेस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी से आपका पेपर, फाइनल पेपर आएगा इसमें आपका, तो ये आपका रिवीजन है। आपको जो जो एक्सरसाइजेस में रिवीजन में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सेंड कर रही हूँ या वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो हु आई एम, फर्स्ट है यू सी मी पॉइंट एट आइटम शो ऑन अ मॉनिटर, किसके थ्रू आप पॉइंट करते हैं आइटम्स को जो शो होता है मॉनिटर पे, माउस के थ्रू। यहाँ हमारे पास देखिए माउस की पिक्चर है, हम यहाँ पे माउस फिल करेंगे। सेकंड इज टू आई शो फोटोज गेम्स एंड मूवीज ऑन माय स्क्रीन, कहाँ शो होती हैं हमारे फोटोज गेम्स मूवीज, मॉनिटर पर, वेरी गुड। थर्ड इज आई हेल्प यू टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर, हम टाइपिंग किसकी हेल्प से करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से, तो हम यहाँ फिल करेंगे कीबोर्ड। फोर्थ इज यू कैन यूज मी टू टेक प्रिंट आउट ऑन अ पेपर, हम पेपर पे प्रिंट आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का, तो हम फिल करेंगे प्रिंटर। फाइव इज आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है आपकी, लेबल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर माउस, ये भी हम फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक माउस की पिक्चर शो हो रही है, आपको यहाँ पर लेबल्स में इस तरह से फिल करना है बच्चों, आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो आप अच्छे से इससे प्रिपेयर करेंगे। ओके, देखिए ये वायर है आगे जो जा रहा है माउस के टेल की तरह, हम वायर फिल करा, ये लेफ्ट बटन है तो हमने लेफ्ट बटन फिल कर दिया। नेक्स्ट हमारा साइड क्या है, राइट बटन है, तो हमने राइट बटन यहाँ फिल किया है। और ये माउस हमारा किस पर प्लेस है, माउस पैड पर, तो हमने यहाँ एरो में माउस पैड फिल करा। एंड राइट एंड लेफ्ट बटन के बिटवीन बच्चों क्या है हमारी, स्क्रोलर व्हील, तो हमने यहाँ पर स्क्रोलर व्हील फिल करा। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से इसका रिवीजन करना है। ओके, टेक केयर, सेफ इन होम, बाय।